श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तुमुरुका जी भगवान शिव के भक्त हैं, जिनका शरीर मनुष्य का और सिर घोड़े का है। नारद जी की तरह ही तुमुरुका जी के हाथों में भी वीणा रहती है। वे बहुत ही श्रेष्ठ गायक हैं। तुमुरुका जी से महापुराण की कथा का कथावाचन करते हैं। इन्होंने ही देवी चंचला अर्थात माता लक्ष्मी जी को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी। तुमुरुका जी के पिता कश्यप और माता प्रदा थी। इनके चार भाई भी थे। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी शिव महापुराण की कथा में अक्सर तुमुरुका जी की कथा का जिक्र किया जाता है, जिसमें पंडित जी बताते हैं कि तुमुरुका जी एक महान शिव भक्त थे, जो शिव महापुराण का पाठ करते रहते थे। गुरुजी बताते हैं कि जो भी भक्त शिव पूजा करते समय तुमुरुका जी का नाम लेता है, उसे शिव जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। पंडित जी ने अपनी कथा के माध्यम से यह भी बताया है कि तुमुरुका जी बहुत ही श्रेष्ठ कीर्तन गायक है। वह जब भी कीर्तन गायन करते थे, तब 33 कोटि देवता भी नृत्य करने लगते थे। मैं आपको शिव महापुराण की कथा के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताने वाली हूँ। शिव महापुराण की कथा के अनुसार यदि किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, काफी डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उस दंपति को तुमुरुका जी के इस उपाय को करना चाहिए। स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमुरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करें। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री के कमर में बांध दे। शिव जी की कृपा से जल्दी उस दंपति को संतान की प्राप्ति होगी। तुमुरुका जी ने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से भगवान शिव जी की आराधना का मूल मंत्र बताया है, जिसके जाप करने से मनुष्य की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथा के माध्यम से इस मूल मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा शिव जी की आराधना के लिए तथा समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए एक और उपाय बताते हुए कहते हैं कि हर समस्या का एक हल एक लोटा जल। अर्थात पंडित जी का कहना है कि अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो आपके सारे दुख समाप्त होने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों।